और आपने अभी देखा भी होगा दो दिन पूर्व कि किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो नमस्कार, मैं एसके राजीव, आप देख रहे हैं न्यूज़ 22 स्कोप। दरअसल में इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वह बिहार आरजेडी से जुड़ी हुई है। आज से दो दिन पहले आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह की विधिवत सदस्यता समाप्त कर दी गई है और इसे लेकर अब सुनील सिंह पूरे तरीके से नीतीश कुमार के ऊपर आग बबूला है। सुनील सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए उन्हें सदस्यता से विधिवत समाप्त किया है, उनकी सदस्यता को समाप्त किया है। आइए, सुनील सिंह ने क्या कुछ कहा है आपको हम सुनाते हैं। गंभीर विषय है, कैसे लोकतंत्र बचेगा, ये बहुत ही चिंता का विषय है पूरे देश के लिए। और आपने अभी देखा भी होगा दो दिन पूर्व कि किस तरह लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई। तो देखिए, ये तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, सदस्यता रद्द को लेकर के आपके एनडीए के नेता लोग बोल रहे हैं कि मालूम नहीं है क्या मामला है, क्या हुआ है। सर, देखिए, मालूम उनको होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये मात्र नीतीश कुमार के ईगो सेटिस्फेक्शन के लिए सारी कार्रवाई की गई। साफ तौर पर सुना कि पटना एयरपोर्ट पर सुनील सिंह, जो कि कल तक आरजेडी के एमएलसी हुआ करते थे, उन्होंने नीतीश कुमार पर क्या क्या संगीन आरोप लगाए हैं। सुनील सिंह ने यह भी कहा कि भले ही सदन से उनकी सदस्यता समाप्त करा दी गई हो, लेकिन आने वाले दिनों में सड़क पर उतरने से उन्हें नीतीश कुमार और एनडीए सरकार नहीं रोक सकती है। आप इस टाइप की खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ बायोस्कोप के साथ, और इसके राजीव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।